अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि मर्द हजरात खुद तो फारिग हो जाते हैं लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी बीवी फारिग हुई है या नहीं, और जब वो अपनी बीवी से ये सवाल करते हैं कि तुम फारिग हुई हो या नहीं तो उनकी बीवी को पता ही नहीं चलता कि वो फारिग हुई है या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि मर्द हजरात कैसे पता चलाएं कि उनकी बीवी फारिग हुई है या नहीं हुई है। औरत के फारिग होने की 4 अहम निशानियाँ आज मैं आपसे शेयर करूँगी। आपने वीडियो के ख़त्म तक ज़रूर देखना है ताकि मुकम्मल तौर पर आपको बात समझ में आ सके। हम बिस्तरी के दौरान कैसे पता चले कि औरत फारिग होने वाली है या फारिग हो चुकी है। मर्द को कैसे पता चले कि औरत के फारिग होने का वक्त हो चुका है। अगर मर्द को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि औरत फारिग हो चुकी है तो मर्दों को चाहिए कि वो फिर हम बिस्तरी करना कम कर दें, क्योंकि जब औरत फारिग होती है अगर इसके बाद भी मर्द हम बिस्तरी करते रहें तो औरत को तकलीफ का सामना ही करना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखें, हम बिस्तरी के दौरान हमेशा ही पुरसकून रहना चाहिए और पुरसकून और लुत्फ के साथ ही हम इन लम्हात को इंजॉय करना चाहिए। अगर औरत फारिग हो जाती है इसके साथ जोर जबरदस्ती हरगिज बिल्कुल भी ना करें। इस्लाम भी हमें इस बात का हुक्म नहीं देता कि औरत के साथ जानवरों वाला बर्ताव किया जाए या उसके साथ कुछ जोर जबरदस्ती की जाए। अब बात करते हैं कि औरत फारिग होने की ऐसी 4 निशानियाँ कौन सी हैं। तो आज इस वीडियो में आपसे 4 निशानियाँ ज़रूर शेयर करूंगी। सबसे पहली निशानी ये है, जब औरत मर्द को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है या मर्द से लिपटने की कोशिश करती है तो वो उस टाइम फारिग हो चुकी होती है या फारिग होने वाली होती है। दूसरी निशानी ये है कि फारिग होते वक्त अक्सर औरतें आवाज़ निकाल रही होती हैं। और तीसरी निशानी ये है कि कुछ औरतें मर्दों को ज़ोर से दबोच लेती हैं। और चौथी निशानी ये है कि कुछ औरतें मर्दों को नाखून पीछे कमर पर दबोच देती हैं, उनके बाल भी नोचती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद आप लोगों को वीडियोज़ मिलती रहें और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।